सांगर से 22 किलोमीटर दूर रुकन बरड़ा के मकाम पर भोलेनाथ के मंदिर में हर साल मार्च के महीने में दो रोज़ा तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली शर की इस रिपोर्ट में। हिंदू अकीदे के मुताबिक भोलेनाथ को ख़ासूसी अहमियत हासिल है। हिंदू मज़हब के मुताबिक इसे भगवान का दर्जा हासिल है। सांगर से 22 किलोमीटर दूर रुकनबुड़ा के मकाम पर भोलेनाथ के मंदिर में हर साल मार्च के महीने में दो रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होता है, जहां बड़ी तादाद में हिंदू यात्री दूर दराज इलाकों से आते हैं। ख़ासकर वो हिंदू जो सांप पालते हैं, इनकी बड़ी तादाद यहाँ हाजिरी देने ज़रूर आती है। इनका अकीदा है कि भोलेनाथ, जिनको सांपों से प्यार था, वो हमेशा सांप पालते थे। इनके मंदिर में कभी सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही अब पहुँचाता है। यहाँ आने के बाद यात्री 24 घंटों का रोज़ा रखते हैं और शबे गुजारी करते हैं। इनका अकीदा है कि इनको मंदिर में आकर दिली सकून मिलता है। यात्री इन दिनों में अपने मुल्क व कौम व दोस्तों के लिए दुआएं मांगते हैं। मेले के तमाम तर अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। दो रोज तक इलाके में रोने रहने के बाद एक साल तक यहाँ खामोश। कैमरा मैन मुजम्मल अहमद के साथ मोहम्मद अली शर, सांगड़।